अब जी डिलीट स्टूडेंट वाला मेथड जो है ना बना लेते हैं इसको यहीं पे बना लेते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डिलीट स्टूडेंट का, क्रिएट फंक्शन टू डिलीट स्टूडेंट इन लिस्ट। लिस्ट में से अगर हमने स्टूडेंट को डिलीट करना हो, डिलीट स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लास नेम एंड पर्सन साइन, और यहाँ पे हमारा वेक्टर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये। अब उसको अगर हमने सर्च करना है बाय नेम कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर नेम टू डिलीट, जिसको आपने डिलीट करना है यहाँ पे आ जाएगा सी एन डॉट इग्नोर, और यहाँ पे आ जाएगा जी गेट लाइन सी एन कॉमा नेम। ठीक हो गया जी। अब हम एक लूप लगाते हैं ताकि लिस्ट में से वो हर नाम को जो है ना आई इज इक्वल टू जीरो है, आई इज लेस देन स्टूडेंट्स डॉट साइज, और आई प्लस प्लस। ये ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे एक लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है जी, इफ क्या है जी, जो हमारे स्टूडेंट्स आई डॉट गेट नेम के मेथड में से उस नेम को गेट करवाओ, और अगर वो बराबर है, किसके बराबर है, जो हमने नाम जो अभी दिया है अगर इसके बराबर है तो क्या करें जी, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स डॉट अरेज, उसको अरेज कर दो यानी कि डिलीट कर दो, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स डॉट बिगिन, इसको शुरू में ले आए प्लस आई, यानी कि ये ले जी। उसके बाद यहाँ पे मैसेज एक शो करा देंगे स्लैश टी स्टूडेंट रिमूव सक्सेसफुली, यहाँ पे अंडरलाइन। अब इस मेथड को जो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और ये हमारा कौन सा है, केस नंबर 5। जी और यहाँ पे ब्रेक। क्या है जी स्टूडेंट STUDENTS, नंबर 1 ऐड करो जी, रोल नंबर 2 है, हाशर है, एज उसकी 30 है, यस शो कर दें, एक और यस एक स्टूडेंट और ऐड कर लेते हैं जी, रोल नंबर 3 है, हाफिज है, 40 एज है, यस लिस्ट देख लें जी, ये 3 स्टूडेंट हैं जी। अब इसमें से नंबर 2 वाले को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो नंबर 5 पे आ जाएं जी, नेम आशर को डिलीट कर दें, स्टूडेंट रिमूव सक्सेसफुली यस, लिस्ट देखें 1 और 3 पड़े हुए हैं, तीसरे नंबर वाला यहाँ से डिलीट हो गया है। तो ये ना स्टूडेंट, अब 1 बाय 1 करके हम चेक कर लेते हैं सारे, ये देखें डिस्प्ले हो रही है, ऐड भी स्टूडेंट कर लिया था। अब हमने अगर इसको सर्च करवाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, नाम देते हैं माफी सॉरी रोल नंबर देते हैं यहाँ पे 3, उसने सर्च करवा दिया है। अगर आपने इसको यस अपडेट करवाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा,
एंटर नेम हम नाम देते हैं जी अली, वो कह रहा है स्टूडेंट फाउंड हो गया जी। अब इसको इसका नाम चेंज करना है, इसका नेम चेंज कर दें जी। नाम क्या रख दें जी, अली हैदर। यस, अब डिस्प्ले करें जी, ये देखें नाम उसका हमने अली हैदर कर दिया। तो इस तरह ये तमाम जो है ना आपके मेन्यू जो है ना एड स्टूडेंट भी हो रहे हैं, डिस्प्ले भी हो रहे हैं, सर्च भी हो रहे हैं, अपडेट भी हो रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं। तो इस तरह हमने वन बाय वन करके तमाम मेथड को जो है ना वो लिख लिया है, क्रिएट कर लिया है और हमारा मेन्यू जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह आप जो है ना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो वन बाय वन करके क्रिएट करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ नहीं आई तो उसके लिए आप जो है ना वो यहाँ पे कमेंट्स के अंदर जो है ना वो मैसेज लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय। ओके।